शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु। उमापति महादेव के चरणों में रख के माथा, गाता हूँ निर्मल पावन शिव पुराण की मैं गाथा। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। रिद्धि सिद्धि सहित वंदना मैं गणेश की करता हूँ, आराध्य राम रघुवंश जो शिव के नमन उन्हें मैं करता हूँ। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। ओम नमः शिवाय। आइए सर्वप्रथम आज श्री शिव महापुराण के महत्व को जानते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने सुत जी से एक बार शिव पुराण सुनने का आग्रह किया। सुत जी ने ऋषियों से कहा, आप सब धन्य हैं जो आपके हृदय में शिव जी की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई। इस शास्त्र का वर्णन भगवान शिव ने अपने श्रीमुख से श्री सनत कुमार से किया था, इसलिए इसे शिव पुराण भी कहते हैं। इसके पठन मनन और श्रवण से कलयुगी मनुष्यों का मन शुद्ध हो जाता है तथा शिव पद की प्राप्ति भी हो जाती है। जो फल दान एवं यज्ञों को करने से प्राप्त होता है, वही फल शिव पुराण के श्रोताओं को प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं जो इस प्रकार है। पहला विद्धेश्वर, दूसरा रुद्र, तीसरा शतरुद्री, चौथा कोटिरुद्री, पांचवा उमा संहिता, छठा कैलाश संहिता और 7वां वायु संहिता है। आत्मवित्ता मनुष्य को इस पुराण का हमेशा अध्ययन करना चाहिए। सुत जी बोले, हे ऋषियों, जो व्यक्ति दुराचारी पापी विलासी एवं दुष्ट होते हैं, वे भी देवराज की मुक्ति कथा के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। लालची मिथ्याभाषी माता पिता को दुख देने वाले दंभी पाखंडी कुरात्मा द्वेषी पतित हिंसक और निर्दयी पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाएंगे। इस प्रसंग में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत दुराचारी और दरिद्र था। वह धर्म और वेदों से विमुख था। वह इतना गिरा हुआ था कि वह स्नान तक भी नहीं करता था। उसने अधर्म से बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। वह एक बार तालाब पर नहाने के लिए गया। उसी समय वहां एक वैश्या भी आई जिसका नाम शोभावती था। वह उस वैश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो गया। वह वैश्या भी उसे देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों चीरकाल तक विहार करते रहे। ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया, परंतु उसने अपने माता पिता की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस अधम ब्राह्मण ने एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि में अपने माता पिता व पत्नी का वध तक कर दिया और उनकी समस्त संपत्ति वैश्या को दे दी। दैवयोग से एक दिन वह प्रतिष्ठापुर में आया। उसने वहां एक शिव मंदिर देखा जिसमें अनेक साधु महात्मा एकत्र थे। वह ब्राह्मण अचानक वहां बीमार हो गया। बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव जी की परम पवित्र कथा सुनी। देवराज नामक वह ब्राह्मण एक मास के बाद मर गया। यमदूत उसे यमपुरी ले गए। उसी क्षण शिवलोक से शिव जी के दूत रुद्राक्ष धारण किए त्रिशूल लेकर यमलोक में पहुंच गए। उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ाकर विमान पर सवार होकर कैलाश को चल दिए। यमपुरी में कोलाहल मच गया। शोर को सुनकर यमराज स्वयं पधारे और
शिव जी के चार दूतों को देखकर उनकी पूजा की। धर्मराज अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान गए थे। शिव जी के दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव जी के सम्मुख उपस्थित किया। हे मुनिवरों, शिव जी की यह कथा परम पवित्र है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण देवराज भी मुक्ति पा गया। इस प्रकार शिव महापुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। वाशकल नाम का एक गांव था जो समुद्र तट के पास स्थित था। उस ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्रकृति के एवं पाप बुद्धि के थे। मनुष्य पशुवृत्ति वाले और स्त्रियां व्यभिचारिणी प्रकृति की थी। उस गांव में एक ब्राह्मण भी रहता था जिसका नाम बिंदुक था। उसने अपनी कामातुरतावश रूपवती पत्नी चंचुला के होते हुए भी वह एक वैश्या के कोठे पर जाने लगा। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक तो चंचुला अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख सकी। वह एक जार से रति करने लगी। एक दिन बिंदुग ने अपनी पत्नी चंचुला को पर पुरुष के साथ रमण करते पकड़ लिया और वह क्रोध से भर गया। जार पुरुष तो डर कर भाग गया, परंतु बिंदुग अपनी पत्नी चंचुला की मुक्कों से पिटाई करने लगा। चंचुला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़कर वैश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता है। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है? मैं अपनी काम वासना को दीर्घ काल तक किस प्रकार दबाए रख सकती हूं? पत्नी की बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक ने कहा, प्रिय, तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार कर सकती हो, परंतु उसके बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत भला होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को मान लिया और पति पत्नी दोनों कुकर्म के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचुला के पति बिंदुक की मृत्यु हो गई। वह नरक लोक में अनेक दुख भोग कर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक इसके बाद चंचुला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिव पुराण की कथा सुनाते हुए देखा। वह दत्त चित्त होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक बात सुनी तो वो कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर जब लोगों के चले जाने के पश्चात चंचुला कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली और उसके पश्चात पश्चाताप करती हुई अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस तरह निर्मल दर्पण में सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह शिव पुराण सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मनन करने से चित्त की शुद्धि तथा गणेश एवं कार्तिकेय सहित शिव की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हे चंचुला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण करना ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचुला उनसे ही शिव कथा को सुनाने का अनुरोध करने लगी। चंचुला ने पंडित द्वारा बताई विधि से स्नान किया, जटा वलकल वस्त्र धारण करके शरीर पर भस्म लगाकर रुद्राक्ष की माला धारण करके और जितेंद्रिय होकर शिव पुराण को सुनने लगी। इस प्रकार शिव जी के ध्यान में मग्न रहकर चंचुला ने समय आने पर शरीर का त्याग किया और शिवलोक पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उनकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने उसे सदैव के लिए अपना सामिप्य प्रदान किया। शौनक जी ने सुत जी से प्रार्थना की
कि चंचुला का आगे का वृतांत बताने की कृपा करें। सुत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन चंचुला ने भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदुग नरक की अनेक यातनाएं भोगने के बाद इस समय पिशाच योनि में कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सुनकर चंचुला उद्विग्न हो उठी। वह भगवती पार्वती से अनुनय विनय कर उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव पुराण सुनाकर उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुम्बरु विंध्याचल पहुंचा और बिंदुक को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा को सुनने के लिए वहां पर देवता भी एकत्रित हो गए। तुम्बरु से शिव कथा सुनकर बिंदुग निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुग अब प्रतिदिन शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल भक्ति देखकर उसे अपना गण बना लिया। तो आइए शिव पुराण सुनने की विधि भी जानते हैं। प्रथम, शिव पुराण के श्रवण हेतु ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अपने बंधु बांधवों व मित्रों को शिव पुराण सुनने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। शिवालय, तीर्थ या घर में ही कथा की व्यवस्था करनी चाहिए। कथा स्थल की भूमि को चित्रों से सुसज्जित करना चाहिए। केला, चंदोवा आदि से एक सुंदर मंडप को भी बनाना चाहिए और उसके चारों ओर ध्वजा पताकाएं भी लगानी चाहिए। वक्ता के लिए उपयुक्त स्थान और सुखद आसन का प्रबंध करना चाहिए। वक्ता को पूर्वाभिमुख और श्रोताओं को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। कथावाचक के प्रति उसकी आयु, सामाजिक स्थिति और शारीरिक अवस्था के भेदभाव को छोड़कर आदर का भाव रखें तथा उसे श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। पुराणज्ञ, शुद्ध बुद्धि तथा शांत चित्त ब्राह्मण को अपने यजमान के हित साधन को ही अपना पवित्र कर्तव्य समझते हुए कथा के दिनों में संयम नियम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। पंडित जी को प्रतिदिन सूर्योदय के 3:30 प्रहर तक कथा वाचनी चाहिए। उसके पश्चात सभी उपस्थित सज्जनों से मिलकर भजन और कीर्तन भी करना चाहिए। शिव पुराण के वक्ता की सहायता के लिए एक पुराणज्ञ पंडित भी होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों के निवारणार्थ विधिपूर्वक श्री गणेश पूजन भी करना चाहिए। कथावाचक पंडित को अपने यजमान के शिव पुराण में साक्षात महेश्वर की भावना कराते हुए उससे इस पवित्र ग्रंथ का पूजन करना चाहिए और उससे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर उसको इस ग्रंथ के मर्म को समझाने और निर्विघ्न श्रवण करने की क्षमता प्रदान करें। यजमान को कथा अवधि में ब्रह्मचर्य तथा शुद्ध आचरण का कठोरता से पालन करना चाहिए। यजमान को ऐसे 5 पंडित अलग से नियत करने चाहिए जो पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। यजमान का यह भी कर्तव्य है कि ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता तथा अन्य पंडितों के अन्य वस्त्र तथा दक्षिणादि से पूर्णतः संतुष्ट करें। इस प्रकार शिव पुराण का विधिपूर्वक श्रवण निःसंदेह इहलौकिक सुख और पारलौकिक सुख कल्याण को देने वाला है। जय भोलेनाथ। आइए अब हम श्री शिव महापुराण के प्रथम खंड की ओर प्रस्थान करते हैं। विंदेश्वर संहिता। श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है कि प्रयागराज में संगम पर सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए। उस समय वहां सुत जी भी पधारे। सभी ऋषि मुनियों ने उठकर उनका स्वागत किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया।
सबने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे मुनिवर, कलयुग में सभी मनुष्य पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित पर स्त्रीगामी पर निंदक आत्मज्ञान रहित नास्तिक देहाभिमानी दूसरों की हत्या करने वाले माता पिता से द्वेष रखने वाले और स्त्रियों के गुलाम हो जाएंगे। वैश्य अपने धर्म से रहित कुमारगी हो जाएंगे। शूद्र अपने कर्म को छोड़कर तिलक लगाकर ब्राह्मणों का सा आचरण करने लगेंगे। नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेज हर्ता शालिग्राम आदि पाषाणों का दंभ पूर्वक पूजन करने वाले कुकर्मी विद्यावाद विवादी धर्मलोपक दुष्कर्मी धर्म के नाशक दंभी अभिमानी क्रूर होंगे। स्त्रियां भी धर्म से विमुख हो जाएंगी। माता पिता की भक्ति से विमुख पति से विमुख प्रेमी के साथ रहने वाली तमोगुण और नित्य रुग्ण रहा करेंगी। इस दुख से छुटकारा दिलाने वाला कोई सरल उपाय बताइए। मुनियों की यह बात सुनकर सुत जी भगवान शंकर का ध्यान करके बोले, श्री शिव पुराण की संहिताओं का भेद जानते हैं। श्री सुत जी बोले, हे मुनिवरों, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण वेदांत का सर्वस्व कहा गया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी का कहना है कि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक पढ़ने वाला भी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक पूरा पाठ करेगा वह तो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसका आचरण करने वालों को एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने इसे स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है, इसलिए जो भी व्यक्ति इसका पान करेगा वह अजर अमर हो जाएगा। इसमें धर्म अर्थ मोक्ष और पाप चारों पदार्थों का विवेचन किया गया है, उनकी प्राप्ति का उपाय बताया गया है एवं शिव जी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान का समावेश है। भगवान शिव जी ने पहले इसमें 100,000 श्लोक रखे थे। पहला विंध्येश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा विनायक संहिता, प्रत्येक में 10,000 श्लोक। चौथा उमा संहिता 8,000 श्लोक। पांचवा मातृ संहिता में 8,000 श्लोक। एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक। कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक। शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक। कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक। सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक। मानवीय संहिता में 10,000 श्लोक और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक रखे थे। परंतु इस कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने इनमें कुल 24,000 श्लोक कर दिए हैं। अब इसमें विधेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायतीय संहिता रखी है। जो इन सब संहिताओं का पाठ करता है वह जीवन से मुक्त हो जाता है। यह समस्त पुराणों में श्रेष्ठ और जीवों का कल्याण कारक है। ब्रह्मा जी का उपदेश। सुत जी बोले, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और बाद में पुनः इस कल्प का उदय हुआ तो 6 कुलीन मुनियों ने सृष्टि के प्रारंभ होने पर विचार किया कि सब सबसे परे है या नहीं। इसका निर्णय कराने के लिए ये ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है उसमें मनवाणी की कोई गति नहीं है, तथा जो ब्रह्मा इंद्र और शिव आदि महाभूतों और इंद्रियों की उत्पत्ति एवं समस्त संसार को पैदा करने वाला है वही सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव ही हैं जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। उनकी भक्ति करने से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज निकलता है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता हेतु एक दीर्घ यज्ञ करिए जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त होगा।
मुनियों ने पूछा, हे भगवन, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिवपद है और साधन उनकी सेवा करना है। वेद विधि द्वारा उनकी आराधना करने पर उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कान से सुनना, मुंह से कहना तथा मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि महेश्वर हमेशा सुनने, कीर्तन करने तथा मनन करने योग्य है। इसलिए साध्य तक पहुंचने के लिए साधन पर जुट जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करना चाहिए। पहले कुछ क्लेश उत्पन्न हो सकता है, परंतु बाद में परमानंद की प्राप्ति होती है। सनत कुमार व्यास संवाद। मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्रवण, मनन और कीर्तन क्या है? कैसे किए जाते हैं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ईश्वर के रूप में गुण, नाम और उनकी लीलाओं से अपनी पूजा और जप द्वारा रुचि उत्पन्न करना एवं लगातार युक्तियों सहित अपने मन को उनके सामने करना मनन कहलाता है। परब्रह्म, महादेव जी या शंभु भगवान के नामों को बार बार लेना या जप करना ही कीर्तन कहलाता है। दृढ़ता से भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना श्री श्रवण है। सत्संग में बैठकर महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन करके उसका मनन करें तो वह सर्वोत्तम मनन है। इससे हमारी आत्मा पवित्र रहती है। सुत जी बोले, हे मुनियों, मैं इस साधन के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, उसे सुनो। एक बार सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे। वहां पर सनत कुमार जी ने उनसे पूछा, हे भगवान, शिव जी तो आपके प्रत्यक्ष सहायक हैं, फिर आप ऐसा कठोर तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मैं अपनी मुक्ति के लिए तप कर रहा हूं। तब सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा ही भ्रम मुझे भी हुआ था। इसी तरह मैंने भी अपनी मुक्ति के लिए मंदराचल पर्वत पर तप किया था। तब शिव जी की आज्ञा से उनके नंदीश्वर ने मुझे बताया था कि शिव जी के कीर्तन, श्रवण तथा मनन द्वारा ही मुक्ति मिल जाती है। तब मेरा भ्रम दूर हो गया। अतः व्यास जी, आप भी ऐसा ही करें। ऐसा कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषि ने पूछा, जो व्यक्ति श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता, वह बिना प्रयत्न के किस प्रकार मुक्त हो सकता है? कृपा कर हमें बताएं। लिंगेश्वर परिचय। श्री सुत जी ने बताया, यदि कोई व्यक्ति श्रवण, मनन और कीर्तन के स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन करता है, तब भी वह इस संसार रूपी सागर से मुक्ति पा जाएगा। मैंने अपने गुरु जी से सुना है कि शिव जी ब्रह्म स्वरूप निष्फल कला रहित तथा काल सहित हैं। इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है। वे सभी कलाओं से युक्त हैं और साकार निराकार से ही शिव जी ब्रह्म संयक भी हैं। व्यक्ति शिव जी की साकार रूप और निराकार रूप दोनों को ही पूजते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। तभी से शिवलिंग इस संसार में पूज्य हो गया। इससे सबका कल्याण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। पूर्व समय की बात है कि भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी वहां पहुंचे, विष्णु को संबोधन करते हुए बोले, हे पुत्र, तुम कौन हो? उठो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारा भगवान यहां आया हूं। विष्णु जी यह सुनकर क्रोध को दबाते हुए बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, देखो मैं तुम्हारा पिता हूं। कहो, तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है।
हे पुत्र, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, इस समस्त संसार का पितामह हूं। विष्णु बोले, अरे चोर, तुम मुझे अपना बड़प्पन क्या दिखाते हो? सारा संसार तो मुझ में निवास करता है। तुम मेरी ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद बढ़ता गया बढ़ता गया। ये दोनों अपने को प्रभु कहते कहते आपस में युद्ध करने लग गए। दोनों के प्रहारों से देवता व्याकुल होकर कांपने लगे और कहने लगे, जब आप दोनों अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं तो यह समस्त सृष्टि भगवान शिव की है। उनके बिना इस सृष्टि का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता। अतः हम सब शिव शंकर के पास चलते हैं। इतना कहकर देवता वहां पहुंचे जहां महादेव जी पार्वती जी के साथ सभा में मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं को आया देखकर शिव जी ने उन सबको अपने पास बुलाया। शिव निर्णय, हे देवताओं, मैंने सुना है कि विष्णु और ब्रह्मा में भीषण संग्राम चल रहा है, इस कारण तुम्हें महान दुख उठाना पड़ रहा है। परंतु अब तुम घबराओ मत, शिव जी वहां पहुंचकर बादलों की ओट में उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे पर माहेश्वर और पाशुपात अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इनके प्रयोग करने पर त्रिलोकी भस्म हो जाती है। इस प्रलय से वातावरण को देखकर शिवजी एक तेजोमय अग्नि के समान दोनों के पथ्य में जाकर चमकते हुए स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। विष्णु और ब्रह्मा महातेज वाले स्तंभ को देखकर विस्मय में पड़ गए। दोनों कहने लगे, यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना होगा। यह कहकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी शुकर का रूप धरकर पाताल में गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धरकर ऊपर आकाश में गए। परंतु दोनों में से किसी को भी उस प्रकाशमय लिंग के भेद का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा और उसे तोड़कर ले आए। उन्हें यह निश्चय हो गया कि उन्होंने महातेजस्वी स्तंभ का पता पा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु जी के पास चले आए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर शिव जी उसी समय प्रकट हो गए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु जी की इस महानता से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी समता प्रदान की। ब्रह्मा जी का अभिमान भंग। श्री नंदिकेश्वर बोले, इसके पश्चात शिव जी ने अपनी बाहों के बीच में भैरव को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिव से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी पर क्रोध करते हुए भगवान शंकर ने भैरव से कहा, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। शिव जी की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केशों को पकड़ लिया। भैरव ने ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को, जिससे उन्होंने असत्य बोला था, काट दिया। अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही तैयार हुआ, ब्रह्मा जी शिव जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। विष्णु जी ने भी भगवान शिव जी के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, आपने प्रारंभ में ब्रह्मा जी को पांच सिर प्रदान किए थे, अब इनका एक सिर कट चुका है, अब आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी को छोड़कर बोले, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल कपट किया है, इसीलिए तुम सत्कार स्थान और उत्सवों में विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी से वरद और स्वामी कहकर अपना पांचवा सिर मांगने लगे। इस पर शिव जी ने कहा, अराजकता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उसे तुम दंड प्रदान करो,
तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिव जी ने केतकी के फूल से कहा, तू भी झूठ में शामिल है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने केतकी को दूर भगा दिया। केतकी शिव जी से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझे माफ करने की कृपा करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिव जी बोले, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में तुम शिरमौर सी रहोगी। इस प्रकार भगवान शिव, ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास पधारे। देवताओं ने शिव जी का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिव जी अपनी सभा में जा बैठे। शिव जी का ज्ञानोपदेश। ब्रह्मा जी और विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल खड़े होकर स्तुति करने लगे। इससे शिव जी प्रसन्न होकर उनसे बोले, तुमने आज महान दिन पर मेरी पूजा की है, आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। यह बड़ा पवित्र दिन है। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वो मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति प्रपंच रहित होकर इस एक दिन भी मेरी पूजा करेगा वह एक वर्ष की निरंतर पूजा का फल प्राप्त करेगा। मेरा लिंग रूप जो स्तंभ प्रकट हुआ था वह आर्द्रा नक्षत्र है। जो व्यक्ति मार्ग शीर्ष माह में आर्द्रा नक्षत्र उमा सहित मेरी पूजा मेरे रूप लिंग या बेरलिंग में करेगा अथवा दर्शना प्राप्त करेगा वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि पर दर्शनों का ही महान फल है। पूजन से जो फल प्राप्त होगा उसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम दोनों की युद्ध भूमि में जहां मेरा लिंग प्रकट हुआ है वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहां पर शरीर छोड़ने वाले व्यक्तियों की मुक्ति अवश्य होगी। जो व्यक्ति मुझे परमेश्वर की लिंगेश्वर के रूप में पूजा करेंगे उन्हें चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मा विष्णु को शिव उपदेश। भगवान शिव जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने कहा, आप हमें सर्ग आदि के पांच कृत्य के लक्षण बताओ। शिव जी ने बताया, सृष्टि, स्थिति, अहंकार, तिरोभाव और अनुग्रह में मेरे पांच प्रकार के कर्म संसार में नित्य सिद्ध हैं। इनमें संसार के प्रारंभ करने को सर्ग कहते हैं, उनको स्थिर रखने को स्थिति और नष्ट करने को संहार कहते हैं। इधर उधर बदलने की तिरोभाव और संसार से मुक्ति को अनुग्रह कहते हैं। इस प्रकार ये मेरे पांच कृत्य हैं। इन पांच कृत्यों को चलाने के लिए मेरे पांच मुख हैं। चार दिशाओं में चार मुख, मध्य में पांचवा मुख स्थित है जिसे केवल विद्वान व्यक्ति ही जानते हैं। पांचवें कृत्य अनुग्रह को कोई भी नहीं पा सका है। तुम भी उस कर्म को भूल गए हो, तुम में मूढ़ता आ गई है। अब तुम यदि चाहो तो मेरा ओमकार नाम का मंत्र जाप करो, इससे तुम्हारे अंदर का अभिमान नष्ट हो जाएगा। तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी व विष्णु जी को उत्तर की ओर मुंह करके ओमकार का उपदेश दिया। तब ब्रह्मा जी व विष्णु जी ने नमस्कार करके उनकी स्तुति की। इस प्रकार की है, सर्वेश्वर आपको नमस्कार है। हे संसार का निर्माण करने वाले, पंचमुख वाले, आपको हमारा प्रणाम है। गुरुदेव भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैंने तुम्हें सभी तत्वों का वर्णन करके मंत्र भी बतला दिया है, इसका जाप करके तुम मुझे प्रत्यक्ष जान सकोगे। यह मंत्र भाग्य विधायक और ज्ञान देने वाला है, इससे मेरे पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उपदेश देकर शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शिवलिंग स्थापना विधि। श्री सुत जी ने ऋषियों को बताया, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर या अन्य किसी भी जगह शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है। यह समझ लेना चाहिए कि शिवलिंग का पूजन प्रतिदिन होते रहना चाहिए।
पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छा अनुसार करें। चल मूर्ति छोटी और अचल मूर्ति बड़ी बननी चाहिए। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग का निर्माण करना चाहिए। लिंग या मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद को देने वाली है। कोई कोई भक्त शिव जी की गोद में उमा को बैठाकर उनकी पूजा करते हैं। गुरु से पूछकर स्नान करके भस्म लगाकर नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप में प्रणाम लगाना चाहिए। फल प्राप्ति हेतु गुरु से दीक्षा अवश्य लें। गुरु ज्ञानवान तथा जाति से ब्राह्मण होना आवश्यक है। जो व्यक्ति 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र जप ले, कहते हैं वह सदा शिव रूप हो जाता है। ब्राह्मण को प्रतिदिन 1008 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओमकार मंत्र को 1000 बार जाप करने से मनोरथ सिद्ध हो जाता है। शिव क्षेत्र में 100 गुना फल प्राप्त होता है। जहां पर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है वहां से 100 हाथ तक चारों ओर की भूमि पवित्र रहती है। वह पुण्य क्षेत्र कहलाता है। इतना सुनकर ऋषियों ने सुत जी से पूछा, अब आप हमें ऐसे पुण्य क्षेत्रों के वर्णन संक्षेप में बताने की कृपा करें जिनका आश्रय पाकर स्त्री पुरुष परम शिवपद को प्राप्त कर लेते हैं। इनका आगमन कैसे हुआ यह भी बताने की कृपा करें। शिव क्षेत्र वर्णन। गंगा इत्यादि नदियों के तटों पर अनेक तीर्थ हैं। सरस्वती नदी भी पवित्र नदी है। इसके तट पर रहने वाले व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली पवित्र गंगा जी 100 मुख वाली है तथा पतित पावनी है। इसके तट पर वास करना पुण्यदायक है। इसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहां पर निवास करना मोक्ष को प्राप्त करना है। सोनभद्र नदी के तट पर स्नान व्रत आदि करने से मनुष्य गणेश की पदवी को प्राप्त करता है। 24 मुख वाली नर्मदा नदी के तट पर निवास करने वाला व्यक्ति वैष्णव पद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति तमसा, रेवा, गोदावरी आदि नदियों के तट पर वास करता है वह ब्रह्म हत्या आदि से छूट जाता है। कृष्णा, वेणी, विष्णु लोक दायिनी तथा तुंग भद्रा आदि नदियां ब्रह्म लोक से निष्कासित व्यक्तियों को अपने तट पर जन्म देती है। सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेता, कावेरी आदि नदियां भी पुण्य प्रदान करने वाली हैं। ये सभी क्षेत्र शिवलोक प्रदान करने वाले तथा अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। इनमें स्नान, ध्यान, जप, तप करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। सदाचार विवेचन। ऋषिगण बोले, अब हमें स्वर्ग और नरक को भेजने वाले धर्म अधर्म का विवेचन करके बताइए। साथ ही हमें उस सदाचार का वर्णन भी बताइए जिससे धर्म अधर्म को जीता जा सके। सुत जी बोले, हे ऋषियों, चारों वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वो सूर्योदय से पहले उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल प्राप्त होता है। उषा काल में शौच आदि से निवृत्त होकर दातून करके स्नान करें। नदी में कमर तक या कंठ तक खड़े होकर स्नान करना चाहिए। अगर घुटने तक पानी हो और उसमें स्नान करना पड़े तो मंत्र बोलकर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात तीर्थ के जल से वहां के देवों और अपने इष्ट देवों को संतुष्ट करें। वस्त्र पहनकर पितरों का तर्पण करें। आचमन, संध्या, उपासना करके गायत्री मंत्र का जाप करें। तीनों समय प्रातः, दोपहर और सायंकाल में संध्या करें। सायंकाल की संध्या पश्चिम की ओर मुख करके करें। उंगलियों के छिद्रों से सूर्य को अस्त होता हुआ देखें। प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। अपनी आमदनी के 3 भाग करके ही खर्च करें। धर्म, वृद्धि तथा भोग धर्म से चित्त को बढ़ाएं। बचत का कोष नियत करें।
थोड़े में निर्वाह करने की आदत डालें। ऋषि कर्म के धन में से दसवां भाग दान करें, व्यापार के धन में से छठा भाग दान करें, यथाशक्ति याचकों को दान करें। दूसरों के दोषों की तरफ ध्यान न दें, क्रोध को उत्पन्न करने वाली बात किसी से भी ना कहें। प्रातः, साय, संध्या और अग्नि होम करना चाहिए, सूर्य की वंदना करें। यज्ञ आदि की विवेचना। ऋषियों ने सुत जी से कहा, अब आप अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति के क्रम को समझाइए। सुत जी ने बताया, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ कहलाता है। अग्नि यज्ञ कई प्रकार के हैं। एक तो अग्नि यज्ञ में समिधा द्वारा हवन करना, दूसरा विवाह होने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये भी एक अग्नि यज्ञ है। विवाह के बाद सुबह शाम हवन करना चाहिए। वनवासी व्यक्ति अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण करके प्रातः एवं सायंकाल सूक्ष्म भोजन के द्वारा ही अग्नि यज्ञ कर लेते हैं। विवाह के समय की अग्नि को सुरक्षित रखना चाहिए। ब्राह्मण लोग देव तृप्ति के लिए एक ही बार अग्नि में यज्ञ करें। शेष समय वेदों का अध्ययन करना चाहिए। भगवान शिव ने प्रारंभ में रविवार को बनाया, फिर सप्ताह के शेष 6 दिनों को बनाया। प्रत्येक दिनों की पूजा तथा फल भी नियत किए हैं। पाप की शांति के लिए रविवार के दिन पूजा सर्वोत्तम है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सोमवार का दिन, रोगों की शांति के लिए मंगलवार के दिन की पूजा करें तथा काली आदि का भजन पूजन भी करें। बुधवार को विष्णु जी का पूजन करें। गुरुवार को आयु की वृद्धि के लिए पूजन करें। शुक्रवार को भोगों के इच्छुक व्यक्ति व्रत रखें। शनिवार को इंद्रिय विजयी होकर स्त्री प्राप्ति के लिए पूजन करें। स्थान काल निरूपण। सुत जी से ऋषिगण बोले, अब आप पूजा के योग्य स्थान व काल का निरूपण कीजिए। सुत जी ने बताया, देव आदि यज्ञ में शुद्ध गृह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना कौवों को बांधने वाली जगह, उससे 10 गुना जल का किनारा, उससे 10 गुना बेल का वृक्ष, पीपल की जड़, गंगा, गोदावरी, कावेरी कही गई है। इनका तट परम उत्तम होता है। उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर होता है। सबसे उत्तम तो वह जगह है जहां पर मन रम जाए। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सब जगह और सब काल में ही पुण्य प्रदान करता है। संक्रांति और ग्रहण में तो 10 गुना फल प्राप्त होता है। तपोनिष्ठ योग यति की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण पूजा के पात्र होते हैं। यदि वेद पाठी गायत्री मंत्र जपने वाला ब्राह्मण हो तो उसे दान देने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को दान देने पर अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जैसे भी हो, थोड़ा बहुत देवार्पण किया हुआ दान अनंत फल को प्राप्त होता है। मनुष्य को तप और दान दोनों को करते रहना चाहिए। देवताओं की तृप्ति से भी सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पार्थिव पूजन। सुत जी ने बताया, हे महर्षियों, मिट्टी द्वारा निर्मित प्रतिमा का पूजन करने से सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। मिट्टी नदी, तालाब या जलाशय अथवा कुएं की होनी चाहिए। इस मिट्टी में सुगंधित वस्तुओं का चूर्ण मिलाकर, मंडप में बैठकर दूध मिलाकर प्रतिमा को अपने हाथों से निर्माण करना चाहिए। गणेश, शिव, पार्वती, सूर्य, विष्णु की प्रतिमा बनाकर आदर पूर्वक पूजन करें। जो व्यक्ति षोडशोपचार से शिव जी की पार्थिव पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वयं प्रकट लिंग पर 5 किलोग्राम और किसी अन्य द्वारा स्थापित लिंग पर 3 किलोग्राम नैवेद्य चढ़ाएं। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्यलोक को जाता है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा लिंग
प्रमाणित माना गया है। लिंग के अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध से पुण्य की प्राप्ति, नैवेद्य से आयु में वृद्धि और मन की तृप्ति होती है। दीप से ज्ञान, तांबूल से भोगों और धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। नमस्कार और जप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए पूजा करने के बाद यह अवश्य करना चाहिए। मानसिक पूजन से भी इसे अवश्य करें। प्रणव पंचाक्षरों का महत्व। प्रणव का अर्थ है प्र, पंच, ण, नहीं और व। तुम में अर्थात तुम में प्रपंच नहीं है। प्रणव माया से रहित सदैव नवीन है। यह स्थूल दो प्रकार का है। इसका एकांत में जप करने से भोगों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इसका 36 करोड़ जाप कर लेता है वह योगी कहलाता है। यह आकार, उकार एवं मकार, विंद और नाद के साथ शब्दकाल कला से युक्त है। अर्थात असम इन 3 दीर्घ अक्षरों में मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। यह योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप है। यह दीर्घ जप द्वारा मोक्ष देता है। ओम का महत्व। वेद मंत्रों के प्रारंभ में तथा दोनों समय संध्या करते समय ओम का प्रयोग करना चाहिए। ओम का 9 करोड़ जप करने पर व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। पंचभूतों से निमित्त भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष 5 करोड़ जप करें। ऐसा करने से व्यक्ति शिवलोक को जाता है। महात्माओं का कहना है कि शिव कृपा के बिना शिवलोक की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। जो व्यक्ति अपने गुरु द्वारा प्राप्त पंचाक्षर का 5 लाख जप करता है उसकी आयु तो बढ़ जाती है और स्त्री स्त्रित्व से छूटकर क्षत्रिय क्षत्रित्व से छूटकर ब्राह्मण बन जाते हैं। वैश्य क्षत्रिय बन जाता है। शूद्र केवल इसका 25,000 जप करने से ही शुद्ध बन जाता है। यह मंत्र शिव स्वरूप है। जो इसे ग्रहण कर लेता है वह शिव स्वरूप बन जाता है। शिव पूजन विद्वानों को आनंद देने वाला है। इस अध्याय का अध्ययन करने से शिव जी की अद्भुत कृपा और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बंधन और मोक्ष। ऋषि बोले, हे सुख जी, अब हमें यह बताने की कृपा करें कि बंधन और मोक्ष क्या है। सुत जी ने बताया, प्रकृति के 8 बंधन हैं, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 तमन्नाएं। ये 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8ों में यह शरीर है। इन्हीं से सभी कर्म हैं। शरीर के कर्म और कर्म से शरीर, यही है। चक्र लगातार चलता रहता है। शरीर 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा का उपभोग करता है। इसी से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूपी डोर से बंधकर 3 देह युक्त चक्राकार घूमता रहता है। जब चक्रकर्ता व्यक्ति शिव जी का पूजन करता है तो वह इससे मुक्ति पा सकता है। शिव ही 8ों को वश में किए हुए हैं। जो प्राणी शिव जी की बेर या लिंग में पूजा करते हैं उन पर शिव जी प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो लिंग अनेक हैं, परंतु स्वयं भूलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरु लिंग है। इन 5 लिंग की पूजा करनी ही चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूतक नहीं लगते। पहले गणेश जी का पूजन करके प्रतिदिन शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी के पूजन करने से प्राणी को दैहिक, दैविक और भौतिक ताप शांत हो जाते हैं। पूजा वेद। महर्षि सुत जी से बोले, अब आप हमें पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन कीजिए जो आपने व्यास जी से सुनी है। सुत जी ने बताया, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ है। इसका पूजन करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हो गई है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर,
गंधर्व प्रमुख हैं जिन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। सतयुग में रत्न का, त्रेता युग में स्वर्ण का, द्वापर युग में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार गंगा जी सब नदियों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सब लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। मंत्रों में ओमकार महान है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति पार्थिव लिंग का जीवन पर्यंत पूजन करता है वह शिवलोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। जो ब्राह्मण पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता वह दारुण शूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर पूजन करना चाहिए। पार्थिव पूजन की विधि। सुत जी बोले, अब मैं वैदिक रीति से पार्थिव पूजन की विधि बताता हूं। पहले विधि पूर्वक स्नान करें, फिर विधि पूर्वक संध्या करके ब्रह्म यज्ञ करें, फिर तर्पण करें, सभी नित्य कर्म करके भस्म और रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए। फिर वेदोक्त विधि से पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। पार्थिव पूजन किसी नदी पर, पर्वत पर, जंगल पर, शिवालय में या पवित्र स्थान में करें। शुद्ध स्थान की मिट्टी को जल से शुद्ध करके पिंड बनाकर वेदोक्त विधि से लिंग का निर्माण करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से पूजा की सामग्री का शोधन करना चाहिए। भूरसी मंत्र से क्षेत्र को पवित्र करें, आयुष्मान से जल को शुद्ध करें, नमस्ति रुद्र मंत्र से स्फटिक बंधन करें, नमः शमवाय मंत्र से क्षेत्र शुद्ध करके नमः पूर्वक पंचामृत प्रोक्षण करें, नमोल ग्रबाय मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें, एतत्तु रुद्राय से आसन प्रदान करें, नमो महंताय से आवाहन करें। इसके बाद भक्ति पूर्वक वैदिक सूक्य से षोडशोपचार पूजन करें, अनेक छंदों से महादेव जी का स्तवन करें। इसके बाद साष्टांग दंडवत करें। विद्वान व्यक्ति यथोतक विधि से प्रदक्षिणा करें, फिर प्रणाम करके नम्रता पूर्वक विसर्जन कर दें। ऐसा करने वाला शिव भक्त व्यक्ति अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। शिवलिंग की संख्या। सुत जी बोले, हे महर्षियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार बताई गई है। जो विद्यार्थी है वो 1000 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। धन प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 500 पार्थिव लिंगों का निर्माण कर उनका पूजन करें। पुत्र प्राप्ति के लिए 1500 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। वस्त्रों को प्राप्त करने वाला इच्छुक 500 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति 1 करोड़, भूमि का इच्छुक व्यक्ति 1000, दया प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति 3000 और तीर्थों की कामना करने वाले व्यक्ति को 2000 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाला है। जिस व्यक्ति का समय शिवलिंग की पूजा किए बिना व्यतीत होता है वह दुरात्मा माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाते हैं। इस संसार रूपी सागर से तरने का इससे सुंदर कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। भस्म के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड धारण करके पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला तथा बेलपत्र के बिना पूजन न करें। शिव नैवेद्य और विल्प महाप्ति। शिव जी के अनन्य भक्त, दृढ़ निश्चयी और सत्यव्रती शिव नैवेद्य भक्षण अवश्य करता है। शिव जी के नैवेद्य को पाकर पाप दूर भाग जाते हैं। शिव नैवेद्य को भक्षण करने पर अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। उसे अरबों खरबों यज्ञ से भी अधिक शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव नैवेद्य का प्रचार होता रहता है उसका सारा घर ही पवित्र हो जाता है। इसलिए शिव नैवेद्य को देखकर खुशी खुशी उसे भक्षण करें। शिव नैवेद्य को ग्रहण करने से ब्रह्म हत्यारा भी मुक्ति पा जाता है।
वोणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभूलिंग में तथा समस्त प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। लिंग के ऊपर का द्रव्य आग्राह होता है, परंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह ग्राह होता है। अब विल्प पत्र का महत्व सुनिए। हे मुनियों, यह विल्प महादेव जी का ही स्वरूप है। संसार के समस्त पवित्र तीर्थ विल्प में ही निवास करते हैं। विल्प के मूल में लिंग रूप अव्यय शिव का वास होता है। जो व्यक्ति विल्प के मूल से जल चढ़ाता है तो उसे सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति विल्प के मूल की गंध पुष्प आदि से पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है। शिवलिंग पर दीपक जलाने वाला व्यक्ति सभी पापों से छूटकर ज्ञानवान बन जाता है। विल्प के मूल में दूध में पका भोजन शिव भक्त को देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं बनता। शिव नाम की महिमा। ऋषिगण सुत जी से बोले, अब आप हमें भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा बताएं। सुत जी बोले, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम में त्रिवेणी के समान महापुण्य है। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी का प्रतीक है। अतः ये तीनों रूप धारण करने चाहिए। यह महात्म्य वेद शास्त्रों में भी गूढ़ है। शिव नाम दावाग्नि है, महापाप पर्वत है। शिव नाम की दावाग्नि से ये महापातक नामक पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पाप से राशियां नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य इस संसार रूपी सागर से तर जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंगों पर भस्म लगी होती है और वह आदर पूर्वक शिव के नाम का जाप करता है वह इस संसार से मुक्ति पा लेता है। पूर्व काल में इंद्र धूम्न नामक राजा तथा एक ब्राह्मण दंपति थे जो महापापी थे। इन दोनों को शिव नाम की महिमा द्वारा सदगति प्राप्त हुई थी। भस्म की महिमा। सुत जी ने बताया, भस्म दो प्रकार की होती है। पहला महाभस्म, दूसरा स्वल्प भस्म। महाभस्म यह तीन प्रकार की होती है। पहला श्रौत, दूसरा स्मृति और तीसरा लौकिक। श्रौत भस्म और स्मृति भस्म ब्राह्मणों के लिए है तथा लौकिक भस्म अन्य वर्णों के लिए है। ब्राह्मण भस्म को मंत्र के साथ धारण करें। अन्य वर्ण के व्यक्ति बिना मंत्र के धारण कर सकते हैं। उपलों की सिद्ध की गई राख एवं यज्ञ कुंड की राख भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड में लगाने के योग्य है। भस्म लगाकर त्रिपुंड धारण करके जप करना चाहिए। भस्म और त्रिपुंड लगाकर जो व्यक्ति यज्ञादि कार्य तथा जप, तप, पूजन आदि करते हैं वे काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। जो ब्राह्मण त्रिपुंड धारण नहीं करता है उसकी समस्त पूजादि व्यर्थ हो जाती है। वानप्रस्थि, अधीक्षित एवं कन्याएं मध्याह्न में भस्म को जल में मिलाकर या सूखी भस्म को प्रतिदिन धारण करें। कहते हैं ऐसा करने से शिव जी की भक्ति तथा जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। अनामिका अर्थात बीच की उंगली तथा छोटी उंगली के तीन रेखा वाला भ्रुकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना विस्तार है उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। शरीर के शेष भागों में धरा, पृथ्वी, वायु और सोम आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करें। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर त्रिपुंड को धारण करें। रुद्राक्ष का महात्म्य। सुत जी ने पूछा, हे शौनक जी, भगवान शंकर को रुद्राक्ष अति प्रिय हैं। इसे धारण करने तथा इसे जपने पर पाप दूर हो जाते हैं। स्वयं शिव जी ने पार्वती जी को इसकी महिमा के विषय में बताया था, उसे ही मैं आप लोगों को बताता हूं। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से कहा, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की थी। मेरे मन में कुछ भय सा समा गया, तभी मैंने नेत्रों को खोल दिया। इससे नेत्रों से आंसू गिरने लगे।
उन आंसुओं की बूंदों से गौड़ प्रदेश से लेकर मथुरा, काशी, अयोध्या, मलयाचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि प्रदेशों में रुद्राक्ष के वृक्ष पैदा हो गए। तभी से इसकी महिमा और बढ़ गई। वेदों ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया है। सभी वर्णों के व्यक्ति इसकी माला को धारण कर सकते हैं। सफेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष क्रमशः धारण करें। जप करने में रुद्राक्ष की माला विशेष फलदायक है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष मनोरथ, साधक और मुक्ति प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। सभी वर्ण वाले, सभी आश्रम वाले, स्त्री तथा शूद्र भी इस कल्याणकारी माला को पहन सकते हैं। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष को धारण कर ओम नमः शिवाय का जाप करने से व्यक्ति यमलोक नहीं जाता है तथा उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है, वह सदैव निरोग रहता है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विद्या में निपुणता प्रदान करता है। चार मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप होता है, इसके पूजन से नरहत्या भी नष्ट हो जाती है। कालाग्नि नामक पांच मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह रुद्राक्ष सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष 14 मुख तक के होते हैं, जो विभिन्न देवताओं के प्रतीक हैं और अनेक कामनाओं को सिद्ध करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं।